और ऐसी हंसी मजाक के अंदर भाई ये खाली ऐसे रखा हुआ है ये, पता है? चल मौत की चिंता नहीं है। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज भाई सैटरडे इज फाइनली वीकेंड। मैं और सामी प्लान कर रहे हैं कहीं व्रॉकलो से बाहर जाने का, तो हम माउंटेन्स में जाने का सोच रहे हैं। एंड द माउंटेन्स वी आर गोइंग इज कारपाश। तो कारपाश यहाँ से आई थिंक अराउंड 120-130 किलोमीटर है, अराउंड लाइक 2 आवर्स। हम जब वर्क करते हैं ड्यूरिंग वीक डेज तो काफ़ी अच्छा मौसम होता है, सनी ब्राइट, और वीकेंड में भाई बारिश। सो गाइस सीन कुछ ऐसा ही है, सामी आ नहीं रहा है, 10:39 आप देख सकते हो टाइम। तो गाइस देखिए मत एकदम फोन पे बंदियों से बात करते हुए आ रहा है, इसको फिक्र ही नहीं है भाई कि कितना लेट हो रहा है, क्या हो रहा है, कब से वेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। लाले देखिए गाइस लड़का आ रहा है फोन पे एकदम बंदी से मस्त चैट करते हुए, देखिए मस्त भाई। और थोड़ा देर से आ जाते यार। तो गाइस पोलैंड में पेट्रोल का प्राइस 6.98 zloty। फाइनली हम आ चुके हैं गैस स्टेशन भाई, थोड़ा गाड़ी में पेट्रोल वगैरह भरानी थी, कुछ खाने पीने का ऐसे ही ले लिए हैं फिलहाल के लिए। लंच करेंगे भाई वहाँ पे कारपाश माउंटेन पे, बिकॉज अभी हम सुबह सुबह उठ के भाई इतना जल्दी खाने का मन होता नहीं है। ऐसे ही भाई एक दो मॉन्स्टर वगैरह और फिर और ऐसे ही कुछ चिप्स वगैरह, मस्त कॉफ़ी। फिर टॉयलेट था, और ये भाई इस गैस स्टेशन की थोड़ी अलग ही पता नहीं क्या सीन है, आपको चाबी देते हैं वो टॉयलेट जाने के लिए, फिर आपको चाबी करनी है रिटर्न। वैसे ये शेल काफ़ी पॉपुलर है ना गैस स्टेशन, अच्छी कंपनी है, पर पता नहीं क्या भाई इनका अलग ही चुदा पे। हाँ टॉयलेट वगैरह का अच्छा है क्या ये कॉफ़ी? बेकार है, मैं तो चॉकोलाटा ऐसा लग रहा है मैं कैफे लैटे पी रहा हूँ। चॉकलेट है ये? चॉकोलाटा लिया था, डार्क है नहीं बिल्कुल भी, ऐसा लग रहा है पानी है, पानी दूध का पाउडर है भाई पानी। हाँ तो भाई मैंने तो एक कॉफ़ी लिया मस्त, और सामने लिया चॉकलेट ड्रिंक, तो उसको मिल गया भाई चुदा कर गया, कोई नहीं यार। यहाँ पे हाईवे जैसे स्ट्रेट नहीं है, यहाँ पे हाईवे बहुत सर्कल सर्कल, इधर इंटरसेक्शन उधर इंटरसेक्शन, मतलब सोचे भाई थोड़ा वॉशरूम का ब्रेक ले लेते हैं एक, काफी हवा चल रही है तो पता नहीं कैसी क्वालिटी आ रही होगी, तो देख लेना। यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा भाई फील्ड हम सोच रहे हैं यहीं पे प्लॉट वगैरह खरीद दें, अपना एक मैंशन बनाएंगे। गाइस देखिए पॉलिश चर्च एकदम अच्छे से गांव से निकल रहे हैं हम, कब से किसी गांव में गाइस गूगल मैप्स ना पता नहीं क्या कर रहा है हमारे साथ, किसी गांव में घुसा दिया है। yes. तो भाई एंजॉय करिए गांव का व्यू, अच्छा अच्छे मैंशन थे यहाँ पे, गांव मत समझिए इंडिया जैसा आप, यहाँ पे बड़े मैंशन बना रखे हैं इन्होंने, बहुत ही बड़े बड़े वो भी गाइस अब पता नहीं कहाँ लॉस्ट हो गए, लॉस्ट एंड फाउंड हो गया, बम्पी राइड, यहाँ गाड़ी भगा नहीं सकते। हॉन्टेड हो गया यार, कोई नहीं रहा है, एक भी नहीं दिख रहा है, इवन अ पर्सन आउटसाइड, मतलब घरों के बाहर भी कोई नहीं है, कुत्ता घूम रहा है बाहर एक बार
ये खंडर दिख गया, वो बोलते खंडर दिख गया। बिजली गिर रही है घरों के ऊपर। अरे दिखा दिखा आंटी दिखी। अरे खेती हो रही है भाई, दो ऊपर खेती कर रहे हैं यार लोग। फिर पॉलिश आती तो बहुत अच्छा लगता है। फाइनली हम आ गए हैं पता नहीं कहाँ पे, बट बट भाई यार अभी हम आधे रास्ते आ चुके हैं। ऐसा लग रहा है ना कान बंद हो गया है, तुम्हें लग रहा है? कान मेरा बंद हो गया था, गाड़ी में हो गया। कैसा लगा तुम्हें स्पीड? अच्छा है, गाड़ी का स्पीड सही है ना? सही अच्छा है ना, मिनट की बात मत करो भाई। तो गाइस ये अभी थोड़ा हम यहाँ पे चिल वगैरह मारते हैं, फिर से एक वॉशरूम ब्रेक लेते हैं और चलेंगे। प्रोक्लो से आने का यहाँ तक का अभी तक का रास्ता काफ़ी प्यारा रहा है और मुझे लगता है अब तो और प्यारा होने वाला है। माउंटेंस के हम एकदम करीब हैं, माउंटेंस भाई उस तरफ स्टार्ट हो रहा है। एक आखिरी स्टॉप लिया है बिकॉज नेचर्स कॉल आ गया था। काफी प्यारा व्यू है, बस 20 मिनट और बचे हुए हैं एंड वी आर ऑलमोस्ट देयर। से हमारी ये पहली ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस रोड ट्रिप है जो हम अपने खुद की गाड़ी से कर रहे हैं। तो आपको पता होगा मैं अपने पिछले ब्लॉग में बोलता था भाई रोड ट्रिप करेंगे, ऑल कमिंग ट्रू। क्या बोलते हैं भाई, कि ऐसे एक यूरोप में रोड ट्रिप करेंगे, वैसे एक लंबी रोड ट्रिप करने वाले हैं, विल गो टू फ्यू कंट्रीज, पर आज तो ऐसे ही माउंटेंस पे जा रहे हैं। तो ये भाई, सो फार सो गुड। पोलैंड का झंडा दिखा यार फाइनली, एक बड़ा टोपी ओपी लगा के आए हैं। कैसा लग रहा है भाई हवा के साथ? है गाइस, फाइनली हम आ चुके हैं कारपाश और यहाँ पे भाई इतनी ठंड पड़ रही है ना, और फिर आने का जो रास्ता था हमी कैसी फटी आज आपको दिखाएंगे लौटते टाइम। ये मतलब गाइस हुआ ये कि यहाँ पे ऐसा कोई भी रोड वन वे नहीं है और पतला सा रास्ता है, ऊपर से भी लोग आ रहे हैं और नीचे से भी जा रहे हैं लोग ऊपर, और इतनी स्टीप है ना वो कि आप दूसरा गियर में तो गाड़ी पीछे भाग रही है और ऐसे बीच में रुक गए आप, तो बस आपके लग गए भाई। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे होटल्स वगैरह हैं। हम तो भाई आए हैं बस कुछ घंटों के लिए, फिर हम बैक टू ब्रसवा। सारे लोग देखना शुरू कर दिए हमें कि यार दो इंडियंस आए, कैमरा वैमरा लेके गए हैं। गाइस यहाँ पे आप ऐसे केबल कार्ड वगैरह भी ले सकते हो, पर हमारा जो प्लान नहीं है, जो मेन स्पॉट है वो देखेंगे, और केबल कार्ड वगैरह हम भाई इधर को पानी में कर चुके हैं तो ऐसे मतलब नहीं बनता है कि यहाँ भी करें। तो गाइस एक अच्छा चीज़ हुआ कि हमें ऐसे फ्री पार्किंग मिल गई भाई, और यहाँ पे ज़्यादातर पार्किंग पेड है, पर व्यू देखो भाई क्या व्यू है भाई। आ चुके हैं जो यहाँ का मेन फॉल्स है, तो फॉल मतलब झरना भाई, वही तो मैंने इसमें को लगा था यार थोड़ा और कुछ ज़्यादा होगा, पर मैं बोल देता हूँ यहाँ की मैं थोड़ा डिसअपॉइंट। बड़े बड़े फॉल्स हमारे इंडिया में होते हैं, नायग्रा फॉल्स मिल जाएगा इंडिया में, पता है छोटा देखो ना कैसा है ये यही है फॉल, थोड़ा सा लोग अपना उछल मार रहे हैं भाई फोटोग्राफी। तो हाँ हम थोड़ा फोटोज वगैरह लेंगे, सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अच्छी जगह है फॉर श्योर, हमें लगा था भाई हमारा एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा था और उस हिसाब से है नहीं, पर ठीक है भाई, मतलब जितना बड़ा लग रहा था उतना बड़ा है नहीं। जैसे इंटरनेट पे बहुत ही बड़ा लग रहा था कि बहुत बड़ा था, बेटर वाटर शहर से बाहर आए हैं पहाड़ पे तो फीलिंग आ रही है पहाड़ वाली, पर ऐसा कुछ खास नहीं है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग। भाई यहाँ पे आके फोटो ले सकते हो, लोग इस बात पे पानी छूके देख रहे हैं, ठीक है बता रहा हूँ मैं पहले ही। यहाँ पे बारिश भी शुरू हो गई है, पानी काफी ठंडा है, हमने छूके देखा। तो गाइस ऊपर हाइकिंग करनी पड़ती है और भी बहुत ही लंबा 5-6 घंटे का रास्ता है ऊपर हाइक, तो सर फोटो लीजिए आप, अच्छा आएगा, आ रहा है क्या देखो? तो इंस्टाग्राम पे भाई फोटो आ जाएगी तो फॉलो कर लेना, और यही व्यू है भाई। तो ये जगह गर्लफ्रेंड के लिए आने के लिए है भाई, हम क्यों आ गए? तो वैसे हमें काफ़ी भूख लगी थी और भाई अभी माउंटेन्स में यहाँ पे यही मिल रहा है, फ्राइड पोटैटो है ऊपर लगा स्पाइसेस, नाम के अंदर पता नहीं क्या डाल दिया इसने, हल्का स्पाइसेस डाल दिए ऊपर। तो गाइस हमारे जस्ट पीछे अभी केबल कार्ड का वो स्टेशन है, पर वो 5 बजने वाले हैं तो बंद हो चुका है, और जो लोग ऊपर से आ रहे हैं हमें एक बंदा मिल गया, ही वॉज फ्रॉम कॉन्गो अफ्रीका, तो उसने बोला भाई ऊपर मत जाओ बहुत बारिश हो रही है, और हम देख भी रहे हैं जो भी लोग आ रहे हैं सारे इतना भींगे वो आ रहे हैं भाई ऊपर से, बैठ के सोच रहे हैं यहाँ पे कि क्या करें रास्ते के बीच में। ब्रोकलो यही करने आए थे भाई रोड पे बैठने, ब्रोकलो में बैठ लेते रोड किनारे, पैसा वैसा मिलता है कुछ। इज लाइक 4:32, तो अंधेरा होने वाला है एक घंटे में, एक घंटा है भाई, डेढ़ घंटा।
जो भी क्या करना है। और गाइस भूख अलग लग रही है, सर दुख रहा है अलग, वही तो हमने पता नहीं क्या वो खा लिया, आलू का चिप्स कुछ काम का नहीं था वो। चलो आगे कुछ खाने को नहीं है यहाँ पे लेने का, अच्छा सोविनियर नहीं है यहाँ का, कुछ लोकल लग गया और पेट में खाना बिल्कुल नहीं है। एक बड़ा सा व्यू पॉइंट है ऊपर जाके, तो उसी का अभी हम टिकट परचेज कर रहे हैं ऑनलाइन, बिकॉज वी कैन नॉट पे बाय कार्ड। तो भाई यहाँ पे ऐसा भी होता है कि अगर आप पोलैंड में ट्रैवल कर रहे हो तो मेक श्योर टू कैरी कैश। तो गाइस फाइनली हमने ऑनलाइन परचेज कर लिया टिकट, अब चलते हैं ऊपर व्यू पॉइंट पे, आपको दिखाते हैं व्यू। सीढ़ी चढ़नी है बहुत ही, टूट ना जाए, मरा नहीं है अभी तक। तो ऐसा लग नहीं रहा कि ऊपर जाना उतना सेफ है, बिकॉज एवरीथिंग इज वेरी ओल्ड एंड ब्रोकन। वी हैव पेड 17 ज्लॉटी, 300-400 इंडियन रुपीस। तो देखते हैं भाई, व्यू वर्थ होना चाहिए, नहीं तो आई वोंट रिकमेंड। पर हाँ अजीब है थोड़ा, भाई नीचे देखो बस, तुम चक्कर आ नहीं आया, ओ भाई चक्कर आ गया भाई सेफ नहीं है भाई, आने वाला है, आने वाला है साले, आने वाला है। जेब में मोबाइल अंदर रखने दे भाई, नीचे मत देखो, बहुत ऊपर आ चुके हैं हम, थक गया मैं भाई। भाई मैं नहीं जा रहा, चलो वापस चलते हैं भाई। मैं 17 रोटी दिया, मैं ऊपर देख के जाऊंगा भाई यार, साले मर जाओगे ना, आराम से चलो थोड़ा भाई, यहाँ से गिर के कौन बचाएगा, नीचे देखो भाई, देख रहा ही नहीं नीचे भाई, नीचे क्यों देख रहे हो भाई, बहुत ऊपर है हम गाइस। झूले पे इंडिया में नहीं डर लगा इतना, देखो भाई भाई नहीं चल लो यार, इतने से करीब हूँ मैं, इतने से। इफ यू आर कमिंग टू कार पास और आपके पास टाइम नहीं है ऊपर हाइकिंग करने का 6 घंटे या जो भी, सो यू कैन कम हियर। 17 स्लॉटी नॉर्मल टिकट, फॉर स्टूडेंट्स स्पेशल डिस्काउंट मेरा 144। गाइस हाइक करके लोग उतना ऊपर जाते हैं, यहाँ पे अभी बादल और बारिश वगैरह हो रही है, हार्ट बीट भाई बहुत तेज हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज हो गया तुम्हारा ना, 140-160 टू मच। स्मॉल के मैं इतने करीब था गाइस, प्लीज सब्सक्राइब करना गाइस, रो दूंगा मैं। अब हम वापस चलते हैं नीचे, क्योंकि भाई ऊपर काफ़ी मतलब ऐसा ही बनाया है ना, यहाँ तो बीट सही है, नीचे लग रहा है कवर है कुछ, हाइट नहीं दिख रही, पर अगर यहाँ पे बारिश वारिश आएगी तो मच्छर इतना मज़ा आएगा। वैसे ये काफ़ी प्यारा है नीचे व्यू, गाइस आई रियली होप कि आपको भी थोड़ा मजा आया होगा, और हमें तो काफी आया भाई। और ऐसी हंसी मजाक के अंदर भाई, ये खाली ऐसे रखा हुआ है ये, पता है, चलो ऐसे मुझे नहीं पता, मौत की चिंता नहीं। गाइस तो ये था, ट्रिप खत्म हो गया, फ्यू आवर्स शॉर्ट ट्रिप, वन डे ट्रिप, हाँ बहुत ही फास्टिंग और फास्ट ट्रिप हो गया हमारा, और अब वापस जाना है। ऐसे रास्ते में कहीं रुकेंगे KFC वगैरह पे, और गाड़ी में थोड़ी तेल भी भरानी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना गाइस, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल फ्रॉम पोलैंड पीस, मिलते हैं भाई, गुड बाय। हाँ अब नहीं होता, अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं हो पाएगा सेम गाइस, बहुत ही एक्सटेंसिव ट्रिप हो गया हमारा, खाली पेट फास्टिंग वाला। एक चीज़ होता है कि मैं जब भी सामी के साथ कहीं जाता हूँ ना, मतलब मैं और सामी कहीं कोई ट्रिप मारते हैं पनौती, तो आधा टाइम भूखे ही रहते हैं भाई, ये तो है, पनौती भी मिलता है। This is Swiss Alps, right now in Switzerland. Very good. Shabash. हम यही देखने आए थे, रोड, खाली रोड, और सामी भैया का चेहरा, और ये प्यारे प्यारे होटल और बादल फटते हुए। मेरा चेहरा ऐसा बोल रहा है जैसे यहाँ रहता हूँ।